हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, हमारे जीवन का हिस्सा। आज हम बना रहे हैं नारियल के बर्फी। नारियल के बर्फी बनाने के लिए हमने दूध लिया है। दूध को हमने एक कढ़ाई में डाल दिया है। हम कम बर्फी बना रहे हैं तो इसके लिए हमने कम दूध लिया है और हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है, मीडियम से ज़्यादा पर। दूध में उबाल आने तक हम इसे हल्का सा चलाएंगे जिससे उफने ना। दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप कभी भी अपने घर पे ही जब भी मीठा खाने का मन करे तो बना सकते हैं। हमने अपने बच्चों की फरमाइश पे ये बनाया है। देखिए, हमने इसमें बनाने के लिए डेसिकेटेड नारियल लिया है, बिल्कुल बुरादा, जो बाज़ार से लिया है। हमने इसमें आधा कटोरी डाला है, कम दूध है, आप उसके अकॉर्डिंग ही डालें। और हमें अब कड़ची को चलाए रखना है जिससे नीचे लगे ना, साइड से भी अच्छे से बार बार कड़ची से हटा लिए, नहीं तो चिपक जाएगा नीचे साइड में और जल जाएगा। इसमें हमने 4 से 5 चम्मच शक्कर लिए हैं क्योंकि हम कम बर्फी बना रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा वो चाहिएगा ना फ्लेवर, इस वजह से। तो हमने इसमें ज़्यादा शक्कर नहीं डालनी, हल्का सा, नारियल भी मीठा होता है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। हमने इसमें 10 से 12 किशमिश ली है, अच्छे से धो लिए वो, और वो डाल रहे हैं। काजू लिए हैं, उनके चक्कू से 2-2 टुकड़े कर लिए हैं बीच में से, वो भी हम डालेंगे। हमने किशमिश को अच्छे से मिला लिया है, उसके बाद हमने काजू लिए है, वो भी डाल दी। देखिए, बर्फी का जो फ्लेवर है इस तरह बनकर आएगा। अब ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे। इस तरह जो भी आप सीट यूज लेते हो खाना पैक करने के लिए, उसमें जिससे चिपके ना। हमने ट्रे में, मतलब बर्फी की साइज की मोटाई करनी है ना, इस वजह से आधी ट्रे में हमने ये फैलाया है। और हाथों की सहायता से हमने इसे अच्छे से स्लिप कर लिया जिससे उबड़ खावड़ ना दिखे। देखिए ऐसे, और हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। देखिए इस तरह किया है, इसके बाद हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपको फ्रिज में नहीं रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर आने तक हमें बाहर ही रखना है, उसके बाद हम रख सकते हैं फ्रिज में। दोस्तों, हमने पीसेज बनानी है, तो हमने चक्कू की सहायता से पीसेज बनाई है। देखिए, जितनी बड़ी पीसेज होती है ना बर्फी की, उस साइज में हमने काटी है। हम निकाल के भी दिखा रहे हैं आपको, कितना अच्छा टेक्सचर दिख रहा है ना किशमिश का और काजू का। इसी तरह आपको बनानी है, और देखो कितनी सॉफ्ट बनी है, खाने में बहुत टेस्टी है। हम हमेशा यही बनाते हैं जब भी बच्चों का मन करता है, हल्का कम मीठा मिठाई खानी होती है ना तब। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।